Hey guys, कैसे आप लोग? I'm sure कि आप लोग यहाँ बहुत ही अमेजिंग होंगे। So guys, आज का जो वीडियो है ये हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अबाउट दी SEO कोर्स। So आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट दी SEO, और इंट्रोडक्शन जो है हम अदर वीडियोस की तरह नहीं करेंगे कि SEO क्या होता है, क्या आता है, कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। नहीं, हम बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जो है ये इस पूरे SEO कोर्स को इन डेप्थ तक जो है कवर अप करेंगे, सो दैट कि आपको SEO के बारे में पूरा कंप्लीट पता चले। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला जो आप लोगों को जो है ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाते हैं, प्लस कुछ ऐसे गलत ट्रिक्स जो बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, हैक्स बताते हैं, वो सब नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से और जो कि एक लॉन्ग टाइम आपके लिए काम करे, ऐसे SEO के बारे में पूरा डिटेल के अंदर आपको टीच करने वाला हूं। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर मैं आपका जो एजेंडे की बात करें तो पहले सिर्फ बात करेंगे अबाउट SEO, है ना। हम SEO जो है वो क्या है, SEO क्यों, कब ये स्टार्ट हुआ, इसकी क्या जरूरत है, कौन कौन लोग जो हैं इसके यूजर्स हो सकते हैं और कितने टाइप का SEO होता है। तो ये हमारा आज के इस वीडियो का जो है पूरा एजेंडा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप एक SEO एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब चैप्टर वन है आज हम लेते हैं SEO मास्टरी का, जिसके अंदर हम SEO का इंट्रोडक्शन करेंगे। कोई बहुत एडवांस नहीं, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल आने वाले पहले समझ ले, पहले फंडामेंटल क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर SEO जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो सर्च इंजन समझना पड़ेगा हमें, ताकि हम जो है SEO को समझ पाए। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प पीपल फाइंड द इंफॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन यूजिंग कीवर्ड और फ्रेज। यहां पे जो वर्ड आ रहा है कीवर्ड और फ्रेज, इसी को हम सर्च इंजन कहते हैं। पर सर्च इंजन तो पहले से भी अवेलेबल थे, ऐसा नहीं है कि सर्च इंजन नहीं थे, पर सर्च इंजन कैसे काम करते हैं पहले वो समझना जरूरी है, उसके बाद में SEO ने इस पर कैसे इंपैक्ट करा तब आपको जो है पूरा फंडा क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट शेयर जो आज की डेट में चलता है, तो मार्केट शेयर की बात करें तो आई एम श्योर कि सबसे ज्यादा हम जो है किसके ऊपर सर्च करते हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली हम गूगल के ऊपर में सर्च करते हैं। हालांकि गूगल जो है वो पहला सर्च इंजिन नहीं था, ये बहुत बाद में है। पहला जो सबसे पहला इन सर्च इंजिन था दैट वॉज याहू, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जिस्ट करता है बट वो अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बट अभी जो है गूगल ने अपना नंबर वन ले लिया। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, जो अपने यूजर को समझ के कंटिन्यू उस पर एनहेंस करेगा, काम करेगा, तो डेफिनेटली वो नंबर वन पे रहेगा, राइट। तो इसलिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप भी अगर SEO एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये पूरा फंडामेंटल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मार्केट शेयर है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे ग्लोब में मतलब 80%+ जो है वो आपका कंप्लीट एक सिंगल सर्च इंजन ने लेके रखा, दैट इज गूगल। तो इसीलिए जो भी हम इस पूरे कोर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं वो बेस्ड ऑन दी गूगल करेंगे, राइट, क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे और समझते हैं कि जो सर्च इंजन है उनका प्रोसेस क्या होता है। सर्च इंजन किस बेस पे सर्च करते हैं? पहला होता है ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट कंटेंट, है ना। जो भी आपका कंटेंट है हमारी वेबसाइट्स के ऊपर में, ब्लॉग्स के ऊपर में, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड हम आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं उस पे जो कंटेंट है वो आपका जो है एक इंपॉर्टेंट रखता है। दूसरा होता है इमेज सर्च, इमेजेस के बेसिस के ऊपर में भी सर्च होता है। आप देखो गूगल के अंदर में हम जब भी कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं तो हमें ऊपर में टॉप में लिख के आता है, लाइक पहला जो है ऑल लिख के आता है, फिर इमेजेस हमें सर्च करनी है तो इमेज का टैब दिया गया है, फिर उससे अलावा अगर आपको कुछ न्यूज सर्च करनी है तो न्यूज के लिए भी आपके पास आर्टिकल। तो ऐसे ही जो है ये आपका सर्च इंजन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, लाइक यूनिवर्सल सर्च में पेजेस, इमेजेस एंड न्यूज को कंबाइन करके चलता है। गूगल इंस्टेंट सर्च जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब देखो कई बार आप लोग गूगल पे सर्च करो तो आपको जो है जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में सर्च करते हो तो उसी के नीचे में जो है प्रोडक्ट आपको लिस्ट हो जाते हैं, चाहे फिर वो अमेजोन से हो, चाहे फिर वो आपके किसी मिंत्रा या किसी अदर शॉपिंग वेबसाइट से हो। तो ये जो है आपका इंस्टेंट सर्च कहलाता है।
तो ये कुछ आपके सर्च के प्रोसेस हैं बेसिकली, ये मैंने आपको अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कवर करेंगे क्योंकि आज हम फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए ये भी समझना जरूरी है कि सर्च इंजन जो है करते क्या है। तो चलिए अभी समझते हैं कि अब सर्च इंजन तो जो है ठीक है, वो सर्च इंजन तो आज जितने एडवांस है उसके पीछे सिर्फ एक ही फंक्शन जो है वो काम कर रहा है, दैट इज SEO। तो बेसिकली जो है SEO सर्च इंजन के साथ में लॉन्च नहीं हुआ, पहले सर्च इंजन आ चुके थे, यानी कि SEO बाद में आया। कैसे SEO बाद में आया, तो यू कैन सी पहले क्या बात करें, अगर जब वेबसाइट्स, जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ वेबसाइट्स बनने लगी, अब वेबसाइट्स बनने लगी तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है सर्च इंजन भी बने, ताकि जो है कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनको जो है सर्च किया जा सकते कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो वेबसाइट जो है ये सर्च इंजन से पहले हमारे पास में जो है वेब डायरेक्टरीज आई थी, राइट। वेब डायरेक्टरीज कहते हैं जहां पे अलग अलग वेब डायरेक्टरी, मतलब एक वेबसाइट बना दी उसमें एक कैटेगरी लाइक एजुकेशन है तो उसके लिए जितनी भी एजुकेशन की वेबसाइट्स हैं उसके अंदर उसका यूआरएल्स डालने चालू कर दिए। फिर आपकी कोई शॉपिंग वेबसाइट है उसके लिए, एग्जांपल ले रहा हूँ राइट, उस वक्त की जो भी कैटेगरीज होंगी उस तरफ से जो है वेब डायरेक्टरीज के अंदर ये पूरा कॉन्टेंट लिस्ट होने लग गया। लेकिन जैसे ही एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया कि वेबसाइट जो है वो इतनी ज्यादा फास्ट जो है रजिस्ट्रेशन होने लग गया और बनने लग गया, तो वेब डायरेक्टरीज के अंदर क्योंकि वो एंट्रीज करना इतना इजी नहीं था राइट, तो इसी वजह से वेब डायरेक्टरीज आउट हो गई। फिर आया आपका सर्च इंजन। अब सर्च इंजन के क्या अंदर, अब जो है वहां पे आप जो भी सर्च करना चाहते हो वो आप सर्च करो और आपको वहां पे जो है बता दिया जाता था कि हाँ, अगर आप मान लीजिए कोई एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट सर्च कर रहे हो या तो आप एजुकेशन का कुछ भी लिखो तो वो नीचे लिख के अब एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट आ जाती थी। अब एजुकेशन के अंदर ही अगर हम बात करें या कोई एक आए उसकी बात करें, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई उसके अंदर भी, मान लेते हैं 2000 वेबसाइट्स आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे सर्च इंजन के अंदर प्रॉब्लम ये हो गई कि जो पहले दिख रही है वेबसाइट पहले बनी है वो पहले आ रही थी, और जो बाद में बन रही है इतनी सारी वेबसाइट 2000 को एक साथ अगर डिस्प्ले भी करवा दी जाए तो वहां पे उसका जो है कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब यहां पर जो है सर्च इंजन आ गया, सर्च इंजन के साथ में सॉरी SEO आ गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गया। अब ये ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि अब 2000 वेबसाइट है, अब हो सकता है जो पहले नंबर पे वेबसाइट जो लिस्ट हो रही है उनमें इतना ज्यादा अच्छा कंटेंट ना हो, इतनी अच्छी क्वालिटी ना हो। क्वालिटी किसके पास है, जो मान लीजिए 1200 नंबर पे है या 1500 नंबर की वेबसाइट्स है एजुकेशन कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर कॉन्टेंट है, वो एक वैल्यू एड कर रहा है, वो एक राइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन वो पहले नंबर पे सर्च इंजन में नहीं आ पा रही है। तो यहां पर आकर जो है SEO इंट्रोड्यूस हुआ, जहां पे एक ऐसी टेक्निकल यूज इस्तेमाल की गई, क्योंकि प्रॉब्लम है ना कि बहुत सारी वेबसाइट्स होगी यूनिक आपका बैकमैन पे जा रहा है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पहले नंबर पे नहीं आ पा रहा है। तो जहां पे प्रॉब्लम होती है वहीं पे सॉल्यूशन भी आता है। सॉल्यूशन ये आया कि आपका SEO आ गया, ऑप्टिमाइजेशन आ गया। अब इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया भी, जिसके अंदर कॉन्टेंट बहुत अच्छा है वो पहले नंबर पे आना चाहिए, राइट। तो ऐसे में जो है यहाँ पे कुछ अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो है आज की डेट में हम अपनी वेबसाइट, अपने पेजेस को गूगल के सर्च इंजन के अंदर पहले नंबर पे जो लेके आता है उसको हम आज SEO कहते हैं। तो बेसिकली SEO से पहले आपका सर्च इंजन आ गया, सर्च इंजन से पहले आपके वेब डायरेक्टरीज थी, और आज जो है हम SEO के ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंट है। क्यों, एक ही कैटेगरी के अंदर लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं। अब ये SEO के अंदर क्या क्या टेक्निक्स हैं, तो बेसिकली तीन तरह के SEO अवेलेबल हैं। पहला होता है आपका ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO कहते हैं जो आपके एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर में जो ब्लॉग पेजेस हैं, राइट, उसके ऊपर में जो हम काम करते हैं, उस मेथड को, जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसेस को हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज SEO, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में है। दूसरा जो टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO जो है वो हम ही क्रिएट करते हैं, जो ओनर्स हैं या वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, तो वही यहां पे जो है इस पे भी काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर आता क्या, बैकलिंक्स, राइट, बैकलिंक्स वगैरह आते हैं, जो बैकलिंक भी कई तरीके से होते हैं, कई तरीकों से हम इसमें बैकलिंक लेके आते हैं, वो हम आगे कवरअप करेंगे, बिकॉज आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं।
सो तीसरा जो होता है वो होता है हमारा टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाती है। यूजर फ्रेंडली कहने का मतलब है कि लाइक हमारी जो वेबसाइट है वो आपके मोबाइल के ऊपर में जो है अच्छे से ओपन हो रही है कि नहीं, उसका लेआउट्स अच्छे हैं कि नहीं, यानी कि मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, या फिर जो हमारे पास में जो वेबसाइट है वो कितनी फास्ट, उसकी जो स्पीड है वो कितनी फास्ट लोड हो रही है। तो ये कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो टेक्निकल एसईओ के अंदर आते हैं। तो तीन जो फीचर्स हैं उसके ऊपर में हम एसईओ में पूरा कंप्लीट काम करते हैं। इसके बाद में अगर बात करें कि कौन लोग हैं ऐसे जो एसईओ का यूज करेंगे, तो पहला जो आता है दैट इज बिजनेस ओनर। डेफिनेटली हर बिजनेस चाहता है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जो है ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ताकि उनका जो है मेन जो मोटो है कि उनको अर्निंग ज्यादा चाहिए। तो डेफिनेटली अर्निंग के लिए बिजनेस ओनर सबसे ज्यादा जो है इसके ऊपर में पैसा लगाते हैं एसईओ करने पे। तो आप अगर एक एसईओ एक्सपर्ट बनते हैं और आपका एसईओ जो है वो काफी डिटेल नॉलेज आपके पास में, फंडामेंटल्स आपके पूरे क्लियर है, तो आप किसी भी क्लाइंट का जो पेज है या उसकी जो वेबसाइट है वो नंबर वन पे इजीली ला सकते हो, राइट। तो दूसरे होते हैं यहाँ पे ब्लॉगर्स। तो आज की डेट में तो ब्लॉगर बहुत ज्यादा काम करते हैं, चाहे वो आपका, देखो ये आपका ब्लॉगर कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लॉगिंग जो कंटेंट लिखते हैं वही। तो आज की डेट में तो बहुत सारी तरह के एसईओ हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब एसईओ भी अवेलेबल है, राइट, और भी कई सारे आपके पास में एसईओ अवेलेबल है। तो हर किसी के ऊपर में आप इन स्किल्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका एफिलिएट मार्केटर्स। एफिलिएट मार्केटर्स कौन होते हैं, तो बेसिकली जो किसी दूसरे के प्रोडक्ट को जो है कमीशन बेस पे जो है प्रमोशंस करते हैं, चाहे वो आपका वीडियो के माध्यम से हो, चाहे फिर वो आपका कंटेंट के माध्यम से हो, तो ऐसे लोगों को जो है हम लोग कहते हैं एफिलिएट मार्केटर्स। तो ये वो आपकी कम्युनिटीज हैं जो एक्चुअली एसईओ को जो है इस्तेमाल करती हैं। तो बेसिकली आई होप गाइस कि आपको जो है आज सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन ही किया है, आपको समझ में आएगा कि कितना डिटेल के अंदर कितना एडवांस हम इस पूरे कोर्स को जो है लेके जाने वाले हैं। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपको जो है पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, क्योंकि एवरी वीक आपको जो है यहाँ पे इस तरह के वीडियोस रिलेटेड टू एसईओ जो है आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।